तो मैंने एज अ चाइल्ड स्टार फिर काम स्टार्ट किया। वो बाप बड़े अजीब होते हैं जो जायदादें दे के जाते हैं, वो लड़ाइयाँ डलवाते हैं कि अगर मैं 1 रुपया या 12 ने हूँ ना तो 8 ये इन्होंने बीच में मेरे डाली हैं, दौस साहब ने, सुहेल साहब ने। और मुझे कनाडा अमेरिका से प्यार ही नहीं था ना, मुझे अब प्यार है। फिर मैंने शो ऑर्गनाइज करवाए जिसमें मिक्का सिंह, अलका याग्निक, पंकज उदास, कुमार सानू, लॉट्स ऑफ पीपल, संजय दत्त, सलमान खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। DS डिजिटल के प्रोग्राम सीकिंग सेलिब्रिटीज़ विद ज़िक्की में सईद ज़िक्की आपको खुश आमदीद कहता है। एज़ यूजुअल एक बड़ी पर्सनैलिटी के साथ हम आपकी मुलाकात कराते हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं, बहुत बड़ी शख्सियत हैं। वो बॉलीवुड के हवाले से, लॉलीवुड के हवाले से एक मुस्तनद आर्टिस्ट हैं जिनके अंदर इतनी ज़बरदस्त वर्सटाइलिटी है, इतनी वर्सटाइलिटी है कि आप परेशान हो जाते हैं कि ये वही शख्स है जो ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अल्लाह ताला की अता है। कहते हैं कि एडियट एंड आर्टिस्ट आर बॉर्न। एडियट भी बाई बर्थ होता है और आर्टिस्ट भी बाई बर्थ होता है, क्योंकि एडियट नुकसान करता है, उसको समझा दें फिर वो नुकसान ही करेगा क्योंकि वो एडियट है। इसी तरह आर्टिस्ट भी आर्टिस्ट होता है, उसको चाहे जितना मर्ज़ी रोक लें लेकिन वो पानी की तरह अपना रास्ता बना ही लेता है। तो बड़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन गुड लक ये है कि वो कनाडा शिफ्ट हो गए और वहाँ उन्होंने कई साल रेडियो पे अपने फ़न का जादू जगाया और पूरी दुनिया पे डोमिनेट कर गए। आज हमारी खुशबख्ती है कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं। वो एक प्रोड्यूसर हैं, एक एक्टर हैं, एक मिमिक हैं, एक स्टैंड अप कमेडियन हैं और एक खूबसूरत इंसान है। आपका तारफ़ कराते हैं, हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं जनाब उज़ैर ख़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। मुर्शिद, क्या हाल है, कैसे हैं आप? खैरियत सर। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शुक्रिया आपका कि यहाँ तशरीफ़ लाए। दावेदार सर, आपने हमें टाइम दिया। सर मैं दावेदार, बहुत शुक्रिया सर। मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि मैं आज आपके बिल्कुल सामने बैठा हूँ। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आपके बराबर बैठ सकूँ, लेकिन जो फॉर्मेलिटी है, आप इस काबिल हैं, आपको अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया हुआ है, आपको मालिक ने इतना कुछ दिया है कि हम भी आपको देख देख के सीखते हैं। नाउज़ बिल्ला, नहीं नहीं, नहीं ऐसी बात, हम आपको देख के, आप एक आर्ट हैं, यूनिवर्सिटी हैं, ऐसे कि साहब कहते हैं ना कि कुदरत का कमाल ये है कि जब वो इंसान को अता करता है तो इंसान जो है वो फिर अगर समझ जाए तो सजदे में गिर जाता है। ऐसे कि मालिक तेरी मेहरबानी है कि तूने मुझे ये दिया। ऐसे ही क्योंकि कुछ लोग एक जगह पे पैदा होते हैं और वहीं मारे बेचारे मर जाते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि सारी दुनिया देखती है हमें और सारी दुनिया आप देखते हैं। आपने सारी दुनिया देखी, इतने कंट्रीज़ में गए, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया, ये कितनी खुशकिस्मती की बात है सर। सर तो सबसे पहले मैं ये सवाल करना चाहूँगा जी जी कि ये जो स्पेशलिटी होती है ये इंसान को कब पता चलता है कि ये मेरे अंदर क्या पड़ा हुआ है, मेरी जो स्पेशलिटी है इसको मैं कैसे कैसे यूज़ कर सकता हूँ? जब आप कोई चीज़ सोचते हैं और कर लेते हैं तो फिर कॉन्फिडेंस में बंदा आ जाता है कि मैं तो ये भी कर सकता हूँ। तो आपके दिमाग में कैसे ये आया सारा कुछ कि मैं ये कर सकता हूँ? सर ये इसका ये था कि जब मैं पैदा हुआ तो मैं जब रोता था तो मेरे मुंह में कोई गुज़रते गुज़रते चूसनी डालता था, मैं उसको फेंक देता था। बकौल मेरे पेरेंट्स मुझे बताते, उसके बाद ये फीडर डालते थे, मैं उसको फेंक देता था। तो एक मेरे वहाँ से चाचू गुजरे, उन्होंने कोई न्यूज़ देखनी थी तो उन्होंने TV ऑन कर दिया तो मेरी गर्दन ऐसे मुड़ गई और मैं उसको देख रहा हूँ। और फिर ये मामूल बन गया कि TV चला दो उज़ैर चुप हो जाएगा। तो वहाँ से एक शुरुआत कुछ ऐसे हुई। तो मेरे वाले साहब ने कहा इसको TV बहुत अट्रैक्ट करता है। तो मैंने एज अ चाइल्ड स्टार फिर काम स्टार्ट किया। मैंने अपने पापा को कहा, तो जो अल्लाह बख्शे पामिस्मती और रहमान साहब हैं, जो मेरे वालिद साहब हैं माशाल्लाह, बहुत बड़ी शख्सियत, उन्होंने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया।
ज़रूरी ये नहीं होता कि बाप आपको जायदादें दे के जाए, वो बाप बड़े अजीब होते हैं जो जायदादें दे के जाते हैं वो लड़ाइयाँ डलवाते हैं। यस यस बिल्कुल। मेरे बाप ने मुझे कोई जायदादें नहीं दी, मेरे बाप ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, मेरे बाप ने मुझे प्यार दिया, मेरे बाप ने मुझे आगे बढ़ने का हौसला दिया कि चलो आगे। तो वो यही चीज़ होती थी। फिर पापा ने मुझे इनक्रेज किया, पीटीवी में सारे उनके दोस्त थे, मुसद हसैन ताड़ अंकल हमारे घर के बंदे, आसिफ काजी साहब, तारिक अजीज साहब अल्लाह बख्शे, तो शाहिद महमूद नदीम साहब, राशिद डार साहब। तो फिर वो ऐसे होता था। और सबसे बढ़कर फरदौस जमाल साहब, क्या कहने, मैं ये मेरी बड़ी खुश नसीबी है कि वो मेरे पापा के दोस्त रहे। फिर उसके बाद सुहेल अहमद साहब। फरदौस साहब के बारे में मैं ये बताऊँगा, जब ये पेशावर से आए तो मेरे पापा के एक ना सारे जितने गेट टुगेदर्स फ्रेंड्स थे ना, तो उन्होंने एक रिवाज गार्डन में एक अपार्टमेंट लिया होता था। उस ज़माने में शायद जुम्मे की छुट्टी होती थी, तो थर्सडे नाइट वो वहाँ पे सारे बैठ जाए, खाना खुना लाना और सियासत पे बात करनी और ये। तो वहाँ पे फिर किसी ने कहा कि एक लड़का आया है, ये मेरी पैदाइश से पहले की बात। अच्छा, है एक लड़का आया है पेशावर से आया है, तो वो एक्टर बनना चाहता है, तो जगह का कोई प्रॉब्लम है। तो वो उसमें फिर वो वहाँ पे आए, तो मुझे पापा बताते होते थे कि ये बड़े बड़े डायलॉग बोल रहे हैं, शहजादा सलीम के डायलॉग बोल रहे हैं, ये बोल रहे। तो हम तो आगे की जनरेशन थे। फिर मुझे पता चला उस टाइम पे एक्टर, बड़ा एक्टर और उसके दोस्त होना एक बहुत बड़ी बात होती थी। तो आई वॉज वेरी फील ऑनर्ड कि यार फरदौस जमाल साहब मेरे पापा के दोस्त हैं। क्या कहते हैं, तो जब मैं और उनका बड़ापन देखें कि एक बच्चा उनको ना दिन में 10 फोन कर रहा है, घुमा रहा है उनका फोन, तो फोन उठाते थे, कभी भी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा बेटा बंद करो, क्या तुम मेरे पीछे पड़ गए, बंद करो फोन, हर वक्त तंग करते रहते। चिड़ियाँ बोल पइयाँ के डायलॉग मैंने उनसे फ़ोन पे सुने में हैं, क्या वारिस के ड्रामे, मैंने कहा वो डायलॉग सुनाए वो डायलॉग, लेकिन उन्होंने कभी भी ना उफ नहीं की। और सेम सुहेल अहमद साहब, वाह मेरे शोबिज में माँ बाप हैं। वाह वाह वाह, ठीक है, ये दोनों मेरे माँ बाप हैं। क्या बात। और मैं इनसे आगे कभी नहीं गया। तो अगर मैं कहना चाहूँगा कि अगर मैं 1 रुपया या 12 ने हूँ ना, तो अठन्नियाँ ये इन्होंने बीच में मेरे डाली हैं। फरदौस साहब ने, सुहेल साहब ने, मसूद अख्तर साहब अल्लाह बख्शे, उस्मान पीरजादा साहब, ये बड़े बड़े लोग, खलीलुर्रहमान कमर साहब, इन्होंने मेरे अंदर वो चीज़ डाली है, तो मैं बनाऊँ। ये इंसान का जो अपना शौक है ना, जी जी, ये शौक इंसान को दीवानगी की हद तक हो, देन वो बंदा कुछ हासिल कर सकता है। आप क्योंकि ये पागल और जुनूनियों वाला काम है, क्रेजी वर्क, ये नॉर्मल बंदे का काम नहीं। नो, ये जुनूनी लोगों का काम है। ऐसे ही ये जो आर्ट है, फाइन आर्ट है। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं वो बड़े मुस्तनद लोग हैं, वो आर्ट की दुनिया में एक बहुत मुकाम रखते हैं। मैं यहाँ पे आपकी एक बात पे एक इलम में इजाफा कर दूँ, जब मैं जियो चैनल में एज ए प्रोड्यूसर भी काम किया, तो 2007 में मैं कनाडा निकल गया, मुझे पुश किया गया कि आप निकल जाएं यहाँ से, हालात कुछ ऐसे हैं जो भी। मैं वहाँ गया, मैं बर्फ़ें साफ कर रहा हूँ, मैं गैस स्टेशनों में काम कर रहा हूँ, और मैं बड़ा रोता था कि या अल्लाह तूने मुझे काम भी दिया, लेकिन अल्लाह के हर काम में एक मसले आता है, आपको राइट अवे नहीं पता चलता। और मुझे कैनेडा अमेरिका से प्यार ही नहीं था, ना मुझे अब प्यार है। मैं कहता हूँ यार मैं एक मिनट रस्ते, मैं जब कैनेडा होता हूँ मैं पाकिस्तान में सारों से बात करता, तो शोबिज में ये बात मशहूर है कि यार उजैर नू पहले पता चल दी है खबर कि लाहौर च कराची च की हो रही है, तो उदे को पूछो तफसील, ठीक है। उसके बाद मैंने वहाँ पे थिएटर करना शुरू कर दिया, रेडियो में काम करना शुरू कर दिया, जॉब्स नहीं की वहाँ पे मैंने, ठीक है, मैंने अपने ही फील्ड में जॉब को चुना, ड्रामे लिखे, काम किया, फिर मैंने शो ऑर्गनाइज करवाए जिसमें मिक्का सिंह, एलका याग्निक, पंकज उदास, कुमार सानू, उदित, लॉट्स ऑफ पीपल, संजय दत्त, सलमान खान, इन लोगों के साथ फिर मैंने स्टेज पे काम भी किया। वाँ 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 फिर मैं मुझे फिल्म मिली नाड़ी बना खिलाड़ी, अक्षय कुमार साहब की है, वो कुछ अरसे से कोविड की वजह से कुछ वो प्रॉब्लम का शिकार है, लेकिन इंशाल्लाह वो बहुत जल्द आएगी। फिर मैंने अभी हॉलीवुड की मूवी की है पेंटेड शार्क्स,
अच्छा, उस पर उन्होंने मुझे, मैं गया तो एक्स्ट्रा के लिए था, ऑडिशन करने के लिए, लेकिन मेरे, मैं आपको इतनी सच्चा वाक्या बताता हूँ कि जब मैं, जब भी कोई काम करता हूँ ना शोबिज से रिलेटेड, तो मैं एक व्हाट्सएप मैसेज ज़रूर करता हूँ सुहेल साहब को और फरदौस साहब। अच्छा, तो वो मैंने उनको कहा जी एक इंग्लिश फिल्म में कुछ करने जा रहा हूँ, मैं दुआ कर दीजिएगा। तो फरदौस साहब का वॉइस मैसेज आया कि अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, ये उन्होंने बात की और मैं चला गया। अब यकीन जाने मुझे बेस्ट विलन का रोल, मेन रोल मिल गया मुझे। वाँ वाँ वाँ। उन्होंने मेरा गेटअप किया पूरा, यहाँ पे वो रबड़ चढ़ा के बाबा बनाया और इस तरह, वो बहुत एक बड़ी फिल्म है। मैं गया एक्स्ट्रा करने तक, लेकिन जब उस्तादों के कदमों को चूमा तो मुझे पता ही नहीं था मेरे आगे क्या पड़ा। वाह वाह, बहुत आला बात है, बड़ी अच्छी बात। ये इंसान को दुआएं ही एक ऐसी चीज़ है जो मुकाम तक ले, क्योंकि मैंने वहाँ पे ना आम लोगों की तरह डॉलर के पीछे नहीं भागा कि मैं यार एक दुकान में काम कर लूँ। मैंने ऐसे ऐसे वहाँ लोग देखे हैं सर के, मुर्शद के वहाँ पे वो आए हैं जवानी में और बुढ़ापे तक वो उसी दुकान में बैठे हैं और उनका कोई नाम ही नहीं और वो मर गए हैं, बच्चे जायदादें खा गए हैं, तबूत जा रहा है जी उनका, ख़त्म हो गया। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझ पर इतना करम किया कि मैं वहाँ जाते ही पूरे कनाडा में मशहूर हो गया। यार उज़ैर को बुलाओ, उज़ैर को बुलाओ, उज़ैर को बुलाओ, इवन के मेरे जो रिश्तेदार वहाँ पे थे वो मुझ पे फ़ख्र करने लगे कि यार आज हम 32 साल से रह रहे हैं, ये 3 साल में आया है और हम इसकी वजह से पहचाने जा रहे हैं। वाह वाह, तो ये मेरे ऊपर बहुत अल्लाह का करम है।